उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का भी और बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। मित्रों, भूलिए मत कि भारत विश्व का गुरु है, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सब मान गए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। यह हिस्सा वे उघाड़ा रखते थे, क्यों? इसलिए कि उन्होंने शरीर बनाया था और उसे दिखाना चाहते थे। पर आप लोग कोट और पैंट पहने हुए बैठे हैं, ठीक है, आपके पास दिखाने को क्या है? और ये पश्चिम के सीखे हुए लोग आपको वह क्या सिखा सकते हैं जो राम और कृष्ण एक तस्वीर में सिखा गए? नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी साफ कैसे हो गई है और मेरा व्यक्तित्व ऐसा सरल कैसे हो गया है। बात यह है कि बहुत साल पहले ही मैंने अपने आप से कुछ सवाल किए, तब मेरी अंतरात्मा बहुत निर्मल थी, शेव के पहले के कांच जैसी। कुछ लोगों की अंतरात्मा बुढ़ापे तक वैसी ही रहती है जैसी पैदा होते वक्त थी। वे बचपन में अगर बाप का माल निसंकोच खाते हैं तो सारी उम्र दुनिया भर को बाप समझकर उसका माल निसंकोच मुफ्त खाया करते हैं। मेरी निर्मल आत्मा से सीधे सवालों के सीधे जवाब आ गए थे, जैसे बटन दबाने से पंखा चलने लगे। जिन सवालों के जवाब तकलीफ दें, उन्हें टालने से आदमी सुखी रहता है। मैंने हमेशा सुखी रहने की कोशिश की। मैंने इन सवालों के सिवा कोई सवाल नहीं किया और न अपने जवाब बदले। मेरी सुलझी हुई दृष्टि, मेरे आत्मविश्वास और मेरे सुख का यही रहस्य है। दूसरों को सुख का रहस्य बताने के लिए मैं वे प्रश्न और उनके उत्तर नीचे देता हूँ। तो जुलाई का महीना लगभग आधा खत्म होने को आया और इस महीने में हमने एक भी पॉडकास्ट अभी तक नहीं किया। तो किस्से कहानियों से इतर इस बार सोचा कि किताबों पर एक पॉडकास्ट किया जाए और बुक रीडिंग की जाए। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने हरिशंकर परसाई जी पर एक एपिसोड किया था, जिसमें परसाई जी तो नहीं पर उनके एक अवतार, एक इंस्टाग्राम हैंडल है जो हरिशंकर परसाई जी पर है, उनके एडमिन से हमने बात की थी, जो एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड रहा था। तो अगर आपने वो नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा। तो इस एपिसोड में ना कोई कहानी है ना कोई कविता है, इसमें एक किताब को पढ़ा जा रहा है। और क्यों पढ़ा जा रहा है वो जब ये हम पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा, और बीच बीच में मैं रुक कर अपनी कमेंट्री भी देने की कोशिश करूँगा। ये जो ये लेख है, ये है हरिशंकर प्रसाई जी की निठल्ले की डायरी से, और इसका जो शीर्षक है इस लेख का वो है एक सुलझा आदमी। तो एक सुलझा आदमी कैसे होता है और कैसे बनता है और वो कैसे दूसरों को सुलझा हुआ बनाता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये एक सटायर है और इसमें व्यंग्य किया गया है। और ये जो व्यंग्य है ये बहुत टाइमली है, आउटडेटेड बिल्कुल नहीं है, ये इनडेटेड है, और या जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये आज के समय पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुलझे हुए आदमी से शिक्षा लेते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। दूसरों को सुख का रास्ता बताने के लिए मैं वे प्रश्न और उनके उत्तर नीचे देता हूँ। तो ये प्रश्न और उत्तर हैं, ये आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तुम किस देश के निवासी हो? भारत के। संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति किस देश की है? भारत की। तुम किस जाति के हो? आर्य। और सबसे श्रेष्ठ? आर्य। क्या तुमने खून की परीक्षा कराई है? हाँ, उसमें 100% आर्य सेल हैं। देवता भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें पुण्य भूमि भारत में जन्म दो। बाकी भूमि कैसी है? पाप भूमि है। देवता कहीं और तो जन्म नहीं लेते? कतई नहीं, वे मुझे बताकर जन्म लेते हैं। क्या देवताओं के पास राजनीतिक नक्शा है? हाँ, देवताओं के पास ऑक्सफर्ड वर्ल्ड एटलस है। क्या उन्हें पाकिस्तान बनने की खबर है? उन्हें सब मालूम है, वे बाउंड्री कमीशन की रेखा को मानते हैं। ज्ञान विज्ञान किसके पास है? सिर्फ आर्यों के पास। यानी तुम्हारे पास है? नहीं, हमारे पूर्वज आर्यों के पास। उसके बाहर कहीं ज्ञान विज्ञान तो नहीं है? कहीं नहीं। इन हजारों सालों में मनुष्य जाति ने कोई उपलब्धि की?
कोई नहीं, सारी उपलब्धियां हमारे यहाँ हो चुकी थी। क्या अब हमें कुछ सीखने की जरूरत है? कतई नहीं, हमारे पूर्वज तो विश्व के गुरु थे। और जो आखिरी सवाल है और उसका जवाब है वो है, संसार में महान कौन? हम। एक हम एक्स्ट्रा हो गया, पर अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये जो लेख है ये आज के समय के लिए बिल्कुल फिट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया, अश्रुपात होने लगा, मैंने आंखें बंद कर ली, मुख से स्वर निकलने लगे, आहा वाह कैसा सुख है। इसी समय मेरा एक परिचित वहां आ गया, बोला, क्या आंखें आ गई हैं, कोई दवा डाल रखी है? मैंने कहा, अंजन लग गया है, पर बाहर की आंखों में नहीं, भीतर की आंखों में नई दृष्टि मिल गई है, बड़ा संतोष है, अब सब सहज हो गया है, इतिहास सामने आ गया, जीवन के रहस्य खुल गए, न मन में कोई सवाल उठता, न कोई शंका पैदा होती, जितना जानने योग्य था जाना जा चुका, सब हमारी जाति जान चुकी, अब न कुछ जानने लायक बचा न करने लायक। मैंने उसे वे सवाल और जवाब बताए, उसने कहा, ठीक है मैं समझ गया, आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का भी और बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। इसे मैंने अपनी प्रशंसा समझा और अपने विश्वासों में और पक्का हो गया। मैं अपने विचार खुलकर प्रकट करने लगा और लोगों को वे दिलचस्प मालूम हुए। लोग मुझे सुनने के लिए तड़पने लगे और इंजीनियरों से लेकर दार्शनिकों तक के बीच मुझे बुलाया जाने लगा। एक दिन डॉक्टरों की सभा में मैंने कहा, पश्चिम गर्व करता है कि उसने पेनिसिलिन की खोज करके मनुष्य की आयु बढ़ा दी है। उसे नहीं मालूम कि पेनिसिलिन दूसरे विश्व युद्ध के समय नहीं, महाभारत युद्ध के समय हमारे यहाँ खोज लिया गया था। मित्रों, कल्पना कीजिए, भीष्म पितामह, उद्व्रेता, अखंड ब्रह्मचारी भीष्म शरशय्या पर पड़े हैं, सारा शरीर घावों से शत विशत हो गया है, वे सूर्य की गति देख रहे हैं, सूर्य उत्तरायण हो तो वे प्राण त्यागें, वे पूरे 51 दिन जीवित रहे और फिर भी घावों से नहीं मरे, इच्छा से प्राणों का त्याग किया। मैं पश्चिम के वैज्ञानिकों से पूछता हूँ कि उनके घाव सेप्टिक क्यों नहीं हुए? पेनिसिलिन के कारण, उन्हें पेनिसिलिन दिया गया था, भारत ने 10,000 साल पहले जो पेनिसिलिन विश्व को दिया था वही अब पश्चिम हमें इस तरह लौटा रहा है जैसे वह उसी की खोज हो। मित्रों, भूलिए मत कि भारत विश्व का गुरु है, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सब मान गए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। हाल ही में भारत पाक युद्ध के दौर में टैंक भेदी तोप की बड़ी चर्चा थी, मैं सुनता था और हंसता था। आखिर एक दिन मैंने एक सभा में कह दिया, जो लोग टैंक भेदी तोप की तारीफ करते हैं वे भूल जाते हैं कि टैंक तो आज बने हैं, पर टैंक भेदी तोपें हमारे यहाँ त्रेता युग से बनती थी। भाइयों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की, राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि मैं बाली को मारूंगा, सुग्रीव संदेह प्रकट करता है, कहता है, बाली महाबलशाली है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उसे मार सकेंगे। तब क्या होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष उठाते हैं, बाण का संधान करते हैं और ताड़ के वृक्षों की एक कतार पर छोड़ देते हैं, बाण एक के बाद एक 7 ताड़ों को छेद कर निकल जाता है। सुग्रीव चकित हैं, वन के पशु पक्षी खग मृग और लता वल्लरी चकित हैं, सज्जनों जो एक बाण से 7 ताड़ छेद डालते थे उनके पास मोटे से मोटे टैंक को भेदने की तोप क्या नहीं होगी? भूलिए मत, हम विश्व के गुरु रहे हैं और कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। खूब ताली पिटी और सब मान गए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एक दिन मनोविज्ञान पर एक परिचर्चा आयोजित थी, प्रोफेसर लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। जब सहन नहीं हुआ तो मैं भी बोलने पहुंच गया, मैंने कहा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी आधुनिक विज्ञान है, मैं पूछता हूँ क्या प्राचीन भारत में साइकोलॉजी नहीं थी? अवश्य थी। आहा, उस दृश्य की कल्पना कीजिए, सूना वन प्रदेश है, स्वच्छ शिला पर ऋषि और उनकी पत्नी बैठे हैं, चांदनी फैली हुई है, मंद मंद सुगंधमय समीर बह रहा है, ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी के हृदय में क्या भावनाएं उठ रही होंगी? बस यही तो साइकोलॉजी है। हमारे देश में यह
हजारों वर्षों से पहले ही थी और कहते हैं कि यह आधुनिक विज्ञान है, वे भूलते हैं कोई हमें कुछ नहीं सिखा सकता। लोगों ने तालियां पीटी और मान गए कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और जो अगला किस्सा है हमारे सुलझे हुए इस आदमी का, वो कुछ यूं है। एक बार विदेश में कोई बॉटनिस्ट वनस्पति वैज्ञानिक आया, उनका एक जगह भाषण होना था। मुझे बताया गया कि यह फॉसिल का विशेषज्ञ है, यानी चट्टानों के बीच दबे हुए पौधे या जंतु के पाषाण रूप हो जाने का। मैंने उसका भाषण सुना और मेरे भीतर हलचल होने लगी। वह पश्चिम के वैज्ञानिकों के नाम ही लेता रहा और विदेशों के फॉसिल दिखाता रहा। उसके बाद मैं बोलने को खड़ा हो गया। मैंने कहा, आज हमने एक महान बॉटनी का भाषण सुना। बाद में मुझे बताया गया कि वह बॉटनिस्ट कहलाता है। उन्होंने हमें बताया कि फॉसिल कैसे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या प्राचीन भारत में बॉटनी नहीं थे? अवश्य थे, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र एक महान बॉटनी थे और अहल्या एक फॉसिल थी। महान बॉटनी रामचंद्र ने अहल्या फॉसिल का पता लगाया। वे आज के इन बॉटनियों से ज़्यादा योग्य थे। ये लोग तो फॉसिल का सिर्फ पता लगाते हैं और उसकी जाँच करते हैं। महान बॉटनी राम ने तो फॉसिल अहल्या को फिर से स्त्री बना दिया। ऐसे ऐसे चमत्कारी बॉटनी हमारे यहाँ हो गए हैं। हम विश्व के गुरु रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो इसके बाद एक आखिरी किस्सा है हमारे सुलझे हुए आदमी का। इससे पहले कि हम वो शुरू करें, एक बार हम इस विषय को अब आज से जोड़कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें जो एक छोटी सी बात कही गई है कि अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो आगे आप कुछ नहीं सीख सकते। जैसा इसमें बार बार बताया जा रहा है कि हम तो विश्व के गुरु रहे हैं तो हमें कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता। और अगर पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो यही माहौल रहा है। पिछले तकरीबन 5-6 या फिर उससे भी ज़्यादा सालों से कि कोई कुछ सीखना नहीं चाहता, और जो है भी और जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छा रहा है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हटाया जा रहा है। चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो या फिर आजकल एक और चीज़ आ रही थी कि मनुस्मृति को लाया जाएगा कॉलेज के सिलेबस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी बात चल रही है, कुछ उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो हम आगे बढ़ने की बजाय कहीं ना कहीं पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये ठान लिया है कि हम विश्व गुरु हैं। अब वो क्यों हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम सब विश्व गुरु हैं और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो चलिए हरिशंकर प्रसाई जी की ये कुछ जो पंक्तियां बच गई हैं इस लेख की वो पढ़ते हैं और पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां दो पहलवान किस्म के आदमी भाषण देने वाले थे। बताया गया कि वे विदेशों में शरीर सौष्ठव की शिक्षा लेकर आए हैं और यह बताने वाले हैं कि शरीर को किस प्रकार पृष्ठ बनाया जा सकता है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। अंत में बोला, शरीर तो हमारे पूर्वज बनाते थे, हमारे पास न शरीर है न हम उसे बना सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने भगवान राम और कृष्ण की इतनी तस्वीरें देखी हैं, क्या ऐसी भी कोई तस्वीर है जिसमें वे पूरे कपड़े पहने हों? किसी भी कैलेंडर पर आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें वे कमर से ऊपर कपड़ा पहने हों। यह हिस्सा वे उघाड़ा रखते थे, क्यों? इसलिए कि उन्होंने शरीर बनाया था और उसे दिखाना चाहते थे। पर आप लोग कोट और पैंट पहने हुए बैठे हैं, ठीक है, आपके पास दिखाने को क्या है? और ये पश्चिम के सीखे हुए लोग आपको वह क्या सिखा सकते हैं जो राम और कृष्ण एक तस्वीर में सिखा गए? लोगों ने तालियां पीटी और सब मान गए कि कोई हमें अब कुछ नहीं सिखा सकता। मेरी दृष्टि ऐसी साफ और सुलझी हो गई है कि मेरी बात तर्क से परे होती है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। जहां मैं एक बार भाषण दे देता हूं, वहां के लोग एकदम मान जाते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों ने मेरी बातें सुनकर कुछ भी सीखना बंद कर दिया है। तो ये थी एक सुलझे हुए आदमी की ज्ञानवर्धक बातें, और उम्मीद है आप इससे वो सब नहीं सीखेंगे जो कि ये कहना चाह रहे थे, बल्कि इसके व्यंग को समझेंगे। उम्मीद है आपको ये बुक रीडिंग सेशन पसंद आया होगा। एक नई तरह की कोशिश की हमने इस एपिसोड में, और अगर पसंद ना भी आया हो तो ज़रूर बताएं ताकि और सुधार किया जा सके। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।